तुम्हें कौन सा बेबी पसंद है? आई मीन बॉय पसंद है, बताओ। ये शर्माओ मत, बताओ बताओ। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हम पहले ही एक बच्ची की शादी को लेकर परेशान है और तुम होगी। अरे क्या लुगाई ठीक है तो कह रही है, दोनों छोरियों का ब्याह एक मंडप में हो जाएगा। भाई एक दिन पैदा हुई है, एक दिन ब्याह हो गया तो अच्छी बात है ना, क्यों थपकी? थैंक यू सो मच श्रद्धा, इतना सोचने के लिए हमारे लिए। इसी बहाने मेरे सर से ये दो बड़ी जिम्मेदारियां उतर जाएंगी। माई तारा भला करे। दिखाओ फोटोज। हेलो, हाँ मोंटी बोलू। अच्छा ठीक है, हम आ भाई। मासा हमें तहसीलदार के दफ्तर जाना हुआ, गांव की जमीन नाम करानी है ना, आज ही। अरे हाँ, वो तो मैं दिमाग से ही निकल गया था, वो काम भी कराना है। अरे प्रिंस चल चल खड़ा हो, तू भी सीख ले कुछ काम। थपकी, मैं तहसील होके आऊं जरा। अरे मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, और ये आंसू किस लिए, क्या हुआ? मम्मा अपने टीना के लिए भी। मम्मा नाटक कर रहे हैं तो पूरा नाटक करना पड़ेगा ना हमें, वरना हम लोग जीतेंगे कैसे बुद्धू? तुम दोनों घबराओ मत, तुम्हारे मम्मा पापा पूरा परिवार तुम्हारे साथ है, कुछ भी गलत नहीं होगा। ओके आ गया प्रिंस, फिर कोई डरावना सपना देख लिया के? ना मासा, सपना तो छोटे बच्चे जब सोवे हैं तो देखे है ना, मैं तो पूरा का पूरा मरा था, जाग रहा था, इतने ही पलंग के नीचे छुप के बैठा था ताकि तन्ने सच बता सकूं। मैंने बोला था ना मासा, ये बानी है ना बानी, उसमें कोई भारी ऐसी बड़ी गड़बड़ है। पहले भी मारे पीछे ऐसे चाकू लेके पागल बन के घूम रही थी, बड़े बड़े बाल, बड़ी बड़ी आंखें, पागल है वो। पागल हो गया प्रिंस तू, एकदम पागल। आठ है सोन लाग रही है बानी भाई। भगवान ना है, अब भी गई जैसे, उसे नींद में चलने की बड़ी बीमारी है। आओ मैं दिखाऊं तन्ने, चलो। अरे चल रुक जा, चप्पल तो पहन ले, चल चल चल। छोरी कर रही है, मोमबत्ती लेके क्यों घूम रही है? प्रिंस डर क्यों रहा है?
मुझे पागल हो जावे नींद में चले इससे पहले की बारे में इतना खुल के मांगी थी अब इतना आ गया था अब सबने चला दे कि बच्चा होने वाला है उसके बाद में देखेंगे पहले रुक जा हाथ ना निकालने दे मुझे रुक जा देखो अब पहले बच्चा मुझे रुको यहां के पानी लेके आओ और बच्चों के आंख बुझाओ रुको बच्चों बच्चों वो है के पानी ला दो अरे पर बच्चों अरे कोई आ जाओ मासा तारा मुंह काला हो गया बेटा वो तो थारा भी काला हो रहा है ना यो ब्याह ना हो सके यो रिश्ता खत्म पानी मारा घर की बहू नहीं बनेगी अब अम्मा जी देखिए एक मिनट बात क्या है पर आप ऐसे रिश्ता कैसे तोड़ सकती हैं मेरी बेटी के साथ क्या हुआ है अब तो मैं भी खुश हूँ शादी से मासा मुझे तो प्रिंस जी से ही शादी करनी है ए रुक रुक तू रुक भूतनी पागल सॉरी तू रुक तू मासा तू मार गया हम सबने तू आग लगाएगी तू जा भाई मासा मासा देखो भूतनी अम्मा क्या हुआ मासा कैसे दीदी इनको समझाइए ना केसर दीदी केसर भाभी मुझे आपकी जैसी लाडली बहू बनना है मासा की लाडली बहू केसर भाभी दूर हटो इससे ये भूतनी है ये चाकू लेके मारेगी तुम सबने पागल ए दूर 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 एक मिनट आपने पागल किसको बोला मेरी बानी को हाँ देखिए ऐसी बात नहीं है पागल नहीं है पर छोटी बड़ी कमियां तो हम सब सब में ही होती है ना पर मुझे पूरा विश्वास है ये आप सबके साथ रहेगी पलेगी बढ़ेगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी देखिए आप जैसे लोगों के संस्कार मिलेंगे इसे मूर्ख समझ लिया क्या हमने संस्कार के नाम पर हमारे सर पर पत्थर फोड़ना चाहे है अब समझ में आया तेरा यह सारा नाटक ये रिश्ता क्यों लेकर आई थी हमारे दौरे अपनी पागल छोरी ना मारे गले डालना चाहे थी पता है तने कि तारी पागल छोरी ना कोई छोरा तो मिलेगा नहीं तो इसलिए मारा छोरा मिला बलि का बकरा प्राण के लिए नहीं नहीं मैं तो आपके परिवार के लिए बस अम्मा माई के ताप से तो सूरज भी डरे है कह दिया ना यो ब्याह नहीं होगा मतलब नहीं होगा अब यहाँ पर एक मिनट नहीं रुकांगे हम केसर चलो यहाँ से चलो थपकी तुमने बिल्कुल सही कहा था पानी पागलपन का नाटक करेगी ना तो ये लोग अपने आप ही भाग खड़े होंगे मजा आ गया अच्छा तो ये प्लान था थपकी का आई न्यू इट आई जस्ट न्यू इट कि ये लड़की इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं लेकिन थपकी तुम मुझे भी नहीं हरा सकती इतनी मुश्किल से मैं इस शेखावत परिवार को यहाँ लेकर आई हूँ और तुम्हें लगता है मैं चुप बैठी रहूंगी प्लान तो मेरा पूरा होगा किसी भी हालत में मैं रोकूंगी इन सबको और बनाऊंगी तुम्हारी जिंदगी हेल जस्ट वेट एंड वॉच Thank you.
चल श्रद्धा शुरू हो जा, हक्की बन के रोक ले इन सबको। ए छोरी पागल हो गई है के? तेरी छोरी तो पागल हो गई, तू भी पागल हो गई है। पर मरना है तो कहीं और जाके मर। नहीं नहीं अम्मा माई, आप यहाँ से जा नहीं सकती हैं। देखिए अगर आप लोग यहाँ से चले गए तो ये लोग जीत जाएंगे। आपको नहीं पता ये लोग आप लोगों के साथ बहुत बड़ी चाल कर रहे हैं, और वानी पागल नहीं है, ये लोग उससे नाटक करवा रहे हैं पागल होने का, ताकि आप लोग ये शादी खुद तोड़ दे और यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए दूर चले जाएं। सच में यो क्या कह रही है तू? आपको यकीन नहीं आ रहा ना मेरी बात पर? तो मेरी बेटी वानी की कसम। ये लोग रुके क्यों हैं? और ये बात कौन कर रहा है इनसे? और इसने मेरे जैसे कपड़े क्यों पहने? ये कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल मेरी तरह हूबहू दिखती है, पर ये है कौन? मेरे जैसी शक्ल कैसे? इसका मतलब अम्मा माई के पास, अम्मा माई के पास तुम ही गई थी ना बानी और प्रिंस का रिश्ता तय करने? हाँ बोलो। अरे रुको, भाग कर रही हो, अपनी शक्ल दिखाओ मुझे। मैंने किया है ये सब। क्या करोगे तुम? और मारोगे मुझे? मारो 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 मुझे, मारो मारो ना। लेकिन सबसे बड़ा थप्पड़ जो मैंने तुम्हें मारा उसका क्या करोगी? उसका जवाब 7 जन्मों में भी नहीं दे पाओगे सबकी तुम। 7 जन्मों में तो क्या कहते हैं, औलाद का दुख दुनिया का सबसे बड़ा दुख होता है माँ के लिए। और देखो मैंने तुम्हारी बच्ची की, तुम्हारी पानी की जिंदगी कैसे बर्बाद करके रखी। हाँ मैं गई थी अम्मा माई के पास तुम बनकर, यानी कि थपकी बनकर, थपकी
मैंने कराया पानी का रिश्ता। मैं चाहती थी कि उसकी शादी हो जाए ताकि तुम बर्बाद हो सको, तुम्हारी जिंदगी में नासूर बनकर तुमसे बदला ले सको, इसीलिए किया मैंने। देखो मैंने कितना अच्छा किया। क्या लगा था तुम्हें 7 साल के बाद मुंह उठाकर पांडे निवास में चली आऊंगी और मेरी जिंदगी की काया पलट कर दोगी और मैं कुछ नहीं करूंगी? पांडे निवास ने मुझे नौकरानी बना दिया तुमने। मालकिन थी मैं, मुझसे मेरा पैसा दौलत शोहरत सब कुछ छीन लोगे और मैं चुप खड़ी रहूंगी? नो, मैंने तुमसे वो बदला लिया है जो तुम जिंदगी भर भुगतती रहोगी। तुम्हारी खुद की बेटी 8 साल की पानी की शादी तुम खुद अपनी आंखों से देखोगी और बस देखती ही रहोगी, कुछ कर नहीं पाओगी। तुम्हारी बेटियों की तरह तुम्हारी जिंदगी भी फिनिश। एक बार फिर श्रद्धा ने पहले इतना गलत किया मेरे साथ, पर अब मेरी बच्चियों के साथ। ओ बानी, देखो बेटा, अब ये शेखावत परिवार की कहानी हो गई खत्म, तो तुम जो है ना ये अपनी चोली और घाघरा से निकलो बाहर और अपने पुराने कपड़े पहनो और अंजाम मेरी पहले वाली प्यारी सी बानी है? और अब तुम वापिस ऐसे बोला ना, गजब गजब। ओके दादी, मैं अभी बदल के आती हूँ। मैंने आज तक इतना कुछ चाहा था तो सिर्फ और सिर्फ अपने ध्यान के लिए, पर अब जब तक मैं जिंदा हूँ ना, अपनी बेटियों के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। अब तुम देखोगी कि अपने बच्चे को बचाने के लिए एक माँ किस हद तक जाती है और क्या रूप लेती है।